नमस्कार। बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज बड़े शहरों में मिल रहे थे, लेकिन अब यूपी के फिरोजाबाद में भी पहली 65 वर्षीय महिला ब्लैक फंगस की रोगी मिली है। सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा की मानी तो महिला ने परिवार वाले फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज से अपनी मर्जी से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा बेहतर इलाज के लिए ले गए। मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद के सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा का कहना है कि 3 दिन पहले एक महिला आई थी जिनकी आंख में दिक्कत थी और उनकी जांच के लिए गया सैंपल पॉजिटिव आया है। हमने उनकी दवाई भी मंगा ली, लेकिन उनके घर वाले उन्हें आगरा ले गए। धीरे धीरे ब्लैक फंगस भी अब लगभग कई जिलों में पैर पसार चुका है। कई जगह ब्लैक फंगस के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। अगर हम बात फिरोजाबाद की करें तो यहाँ पर भी एक महिला को ब्लैक फंगस की बीमारी है पॉजिटिव पाई गई है और 3 दिन पहले उन्हें यहाँ फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर ने जब उनकी आंख को देखा तो उन्हें ब्लैक फंगस जैसी शिकायत लगी। उन्होंने उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा और 2 दिन बाद जब महिला का सैंपल की रिपोर्ट आई तो वह ब्लैक फंगस से पॉजिटिव पाई गई। मरीज के पॉजिटिव होते ही मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा ने उनके लिए ब्लैक फंगस की दवा भी मंगवा ली, लेकिन महिला की परिवार वाले उन्हें अपनी मर्जी से आगरा किसी डॉक्टर के यहाँ ले गए जो मरीज की जान पहचान के थे। फिलहाल सीएमएस आलोक शर्मा का कहना है कि उनके लिए हमने दवा मंगा ली थी और वह दवा अभी भी रखी हुई है और अभी भी कोई मरीज ब्लैक फंगस का मिलता है तो पहले वह दवा उसे लगाई जाएगी और अगर अन्य मरीज और मिलते हैं तो उनके लिए भी दवा मंगवा ली जाएगी, क्योंकि यह दवा मरीज के हिसाब से ही आती है। देखिए, अभी कुछ मरीज नहीं मिले हैं। अभी 3 दिन पहले एक रोगी आई थी, श्रीमती मिथिलेश, रात को उनकी एक आंख में हमें ऐसा डाउट हुआ जो हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे कि ब्लैक फंगस हो सकता है, तो हमने आंखों वालों को और नाक कान गले वाले डॉक्टरों को बुला के दिखवाया था। उन्होंने उसके आधार पर नमूना लेके जांच के लिए भेजा था। उन जो माता जी थी उनका बेटा या पोता कोई खुद डॉक्टर था। फिर उन्होंने अगले दिन अपनी उन्होंने कहीं आगरा मेडिकल कॉलेज में उनके एक रिश्तेदार डॉक्टर हैं तो उन्होंने 2 दिन बाद हमसे कहा, अभी हमारी रिपोर्ट आने से पहले ही, कि हम इन्हें आगरा अपनी इच्छा से ले जाना चाहते हैं। वो गाड़ी लेके आ गए थे और उसी दिन हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ गई थी। तो मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट आ गई, हम पे दवाई भी आ गई है, हमने उनके लिए दवा मंगा ली थी और दवा हम पे रखी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन्हें, क्योंकि हमारे रिश्तेदार वहाँ डॉक्टर हैं और इनका निवास स्थान भी वहीं है तो हम वहाँ ले आना चाहते हैं, तो वो फिर अपनी इच्छा से उन्हें आगरा मेडिकल कॉलेज ले गए। अपने वैसे क्या तैयारी चल रही है? हमारे यहाँ हमने एक मरीज के हिसाब से वो दवा उस समय उनके लिए मंगा ली थी, वो हम पे रखी हुई है और यदि भविष्य में कोई मरीज आता है तो वो दवा तो उनको तुरंत लग जाएगी। और क्योंकि ये मरीज के हिसाब से ही आनी है, दवा महंगी दवा है तो मरीजों के हिसाब से ही जितनी हम गिनती भेजेंगे उसी हिसाब से आएगी। तो एक मरीज की हम पे रखी हुई है, बाकी जब और मरीज आते हैं तो हम तुरंत मंगा लेंगे। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से दीपक शर्मा के साथ रिहान अली की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व दावत में काम कर रहे युवक से प्रधान प्रत्याशी पति समेत 7 नामजदों ने चुनावी रंजिश के चलते गाली गलौज कर मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद नामजदों द्वारा धारदार हथियारों से घर पर हमला किया। इसे लेकर थाना मगुरा में नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना मगुरा के गांव नगला अट्टा में राम भरोसे के घर पर दावत का आयोजन किया गया था। इस दावत में सत्य पुत्र गोविंद सिंह कार्य कर रहा था, तभी कृष्णा पुत्र थान सिंह ने पंचायत चुनाव में वोट न देने पर और रंजिश के चलते गाली गलौज कर मारपीट की। जब सत्तो ने इसका विरोध किया तो कृष्णा के अन्य साथी प्रधान प्रत्याशी प्रति आकाश, कान्हा, रूपा, लोकेश, हरिंद्र और शिवराज ने लात को से चलाकर मारपीट की। पीड़ित अपनी जान बचाकर घर पहुंचा, पीछे से आकाश समेत अन्य लोग धारदार हथियार के साथ घर के अंदर घुस गए और परिजनों पर हमला कर दिया। पूरी घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। इसे लेकर पीड़ित ने थाना मगुरा में प्रधान प्रत्याशी पति समेत 7 नामजदों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने सभी नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी प्रभारी राघवेंद्र सिंह का कहना है कि पंचायत रंजिश के चलते झगड़ा हुआ है। मामले में 7 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नाम आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? अड्डा। तो क्या कुछ मामला यहाँ पे हो गया जो ये कुछ झगड़े को लेकर बताया जा रहा है? कोई सीसीटीवी कैमरे में भी कोई झगड़ा था? वैसे होता था देख के, यहाँ गांव में दावत चल रही थी, उस दावत में हमारा बच्चा दावत परोस रहा था। दूसरे पक्ष वाले चुनावी रंजिश को लेकर
वो उद्यम करने की इच्छा थी उनकी, तो हमारा बच्चा दावत परोस रहा था तो उन लोगों को ने आके हमारे बच्चे पर हमला कर दिया। कौन लोग थे? पहले आया था साहब एक धन सिंह का लड़का है उस दिन, फिर उसके बाद उसका बड़ा भाई आया कृष्णा, फिर मान सिंह के लड़के आए, आकाश भी आया साथ उसमें। आकाश में तो आकाश ने आते ही उसके कहा पकड़ लो सारे को, फाड़ दो पकड़ के। नहीं है और क्या बात हुई? अब बात ये हुई कि साहब डेली अब रात को घर पे भी आया था, रात में धमकी भी देते हैं आने की कसा ले। तो अब उनके भाई का भी फोन आया था सर्विस से के साले या तो राजीनामा कर लेने, माँ बहन एक कर देंगे तो उनको गांव में सौ भर देंगे, उसे धमकी दे रहे हैं डेली के। पूर्व में इन्होंने प्रचार में जब चुनाव चल रहा था उससे पहले भी इन्होंने धमकी दी थी, फरसा लेके आए थे, फरसा लाठी डंडे रिवॉल्वर भी लेके आए थे हमारे घर पे, राइफल भी लेके डोल रहे थे। अब दोबारा इन्होंने फरसा डंडे लेके नहीं, फिर दोबारा कोड़ारी लेके हम पे आक्रमण किया हमारे घर पे। इसको लेकर आपने पुलिस में सूचना FIR दर्ज कराई? हमारे पुलिस को FIR कराई थी हमने, हमारे मुकदमा साहब दर्ज कर लिया गया है, वो दूसरा पक्ष अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपकी तहरीर ली जाएगी, उनकी नहीं सुनी जाएगी, पुलिस ये बोल रही है। अभी पुलिस ने आपके कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने अभी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कुलदीप सिंह कहाँ के रहने वाले हो? गाँव अड्डा। अरे क्या कुछ मामला झगड़े को लेकर बताया जा रहा है? FIR दर्ज हुई है, CCTV कैमरे में भी घटना क्या हुई है? हाँ, हमारे गांव में 19 तारीख को एक दावत थी तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, तो मेरी मम्मी और मेरी वाइफ खाना खा रहे थे, मेरा छोटा भाई उनको खाना परोस रहा था संगत को, तो आके इसने कृष्णा पुत्र खान सिंह है तो उसने जूतों पर खड़ा हो गया भाई के जूतों पर आके, तो उसने बुलाया कि भाई जूतों पर क्यों खड़ा है, तो उससे गाली गलौज करने लगा है, मारपीट की है, नीचे से आकाश वगैरह सबको बुला लिया है आवाज़ देके, उसके साथ मारपीट किया। इसके बाद वो जान बचा के भागा है वहाँ से, अपने घर पे आया है, तो ये लोग पीछे से कुल्हाड़ी फरसा लाठी लेके आ गए, हमला बोल दिया घर पे आ गए अंदर, वहाँ पे बोल रहे हैं माँ से गाली दिए कि ताली बाहर निकाले इसको और आज छोड़ेंगे नहीं जिंदा, मार देंगे मतलब जान से मार देंगे आपको, ये कर देंगे, ऐसे गाली गलौज किए घर पर आके इन लोगों ने। और ये मतलब एक बार ऐसा है कि इससे चुनाव से पहले की बात हो रहा है, ये लोग हमारे घर पे वो रिवॉल्वर राइफल वगैरह लेके भी आ गए थे हमारे घर में, तो धमकी दे रहे हैं तुमने हमारी वोट क्यों नहीं दी है, हम इसलिए इस वजह से हमसे चिड़े हुए हैं ये लोग। तो इसको लेकर आपने पुलिस में FIR दर्ज कराई है? जी। कितने लोगों के नाम? 7 लोगों। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है? सर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं दिखी है, हमें दर्ज तो हो गया है, कल हुआ है 19 तारीख से, मैंने 19 तारीख को तहरीर दी थी लेकिन कल जाके मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं है। तो आप लोगों की कोई चोटें वगैरह आई हैं? नहीं सर, चोटें तो आई हैं, हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ से जान बचा के भाग आया था। और जांच कर कार्रवाई की जाएगी। BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।